लीड, हाउ डू यू सी दिस? मैं वायनाड के जनता से बहुत खुश हूं और उनके आभारी हूं कि अभी जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख से ऊपर है। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत के समझ है, अंदाजा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इश्यू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए, और मुझे प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीते हैं, और मैं चाहता हूं कि देश में अब जब वो संसद में होंगी, सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी, जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है प्रियंका उठाएंगी, और जनता की आवाज को बुलंद करेंगी, उनके जो समस्या है उसका समाधान जरूर ढूंढेंगी। सुभाष, जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं, तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रहे थे और आप भी, मुझे लगता है, उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे, उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। वो उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे, और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को, उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं, कैसे उसको बुलंद करेंगे, और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। कहते रहे कि एक सही समय आएगा जब प्रियंका गांधी संसद में होंगे, और एक सही समय आएगा जब आप भी राजनीति में आएंगे, तो प्रियंका जी तो संसद में अब आज जाती दिख रही हैं, जा रही हैं, आपका भी अब जो है अगला कदम जो है माने इस बात की तरफ, एक्टिव पॉलिटिक्स? देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूं। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की जरूरत है, लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे, तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा।